चाचा जी, हम लोग के गांव का सोहरे पर्व के बारे में बताएंगे। हाँ बेटा जी, बताऊंगा। देखिए बेटा जी, पूर्वजों से, आज नहीं बहुत पूर्वजों से, हम लोग ना हमारे सैला गांव में सोहरे पर्व मानते हैं। हाँ, सोहरे पर्व मानते हैं, उसको हिंदी में गोवर्धन पूजा कहते हैं। गोवर्धन पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में सोहरे पर्व कार्तिक का अमावस में मानते हैं बेटा जी, और उनको बड़ा खुशहाल से मानते हैं। सोहरे पर्व का मतलब यह है कि जिस दिन भगवान श्री रामचंद्र जी ने लंका से सीता माँ को, जो कि रावण हरण किया था, उसको जितने भी हमारे आदिवासी ही भाई लोग थे, उन लोगों को वानर बना दिया पंडित लोग, लेकिन वे हमारे आदिवासी भाई ही थे, उन्हीं को साथ लेकर के लंका में विजय प्राप्त करके माता सीता जी को, माता सीता लक्ष्मी जी हैं, और उसी लक्ष्मी के उपलक्ष में आज हम लोग मना रहे हैं सीता माता जी को। इसी महीने, इसी कार्तिक के अमावस में ही सीता माता जी को रामचंद्र जी ने हमारे भाइयों के साथ ही उनको अयोध्या ले आए। उस समय जी सीता माता जी जो नहीं थी, माता जी नहीं थी, उस समय पूरा अंधकार था। जिस समय माता सीता जी को ले आए, उस समय अयोध्या नगरी में जगमगाते हुए बत्ती जलाए, और उसी बत्ती आजकल हमारे हर घर घर में सोहरे पर्व में सीता माता जी का नाम से ही, लक्ष्मी पर्व के नाम से ही उसको मनाते हैं बेटा सोहराई। और उसी सोहराई के उपलक्ष में हमें आज गांव-गांव में, जिस गांव में जो जानकारी रहते हैं, वे इरंडी को जो हर थाने में गाड़ते हैं, और उस इरंडी और झाड़ को हम लोग का गांव में, सैला गांव में, उसको रात भर सेवा करते हैं, और उसको रात भर लोक नृत्य करते हुए पूरा रात भर, सुबेरे भी, उसके बाद शाम उसको गंगा माँ के पास, गंगा माँ के साथ, गंगा माँ के पास लगा के उसको ठंडा कर देते उठा रहे। और यही हम लोग का उरांव का विशेष सोहरे पर्व का महत्व है। उठे ये लक्ष्मी का पूजा होता है, और लक्ष्मी का ही सेवक के उपलक्ष में आज ये नाच गान ये कर रहे हैं। मतलब की सुंदरता से आनंद ले रहे हैं पूरे बाल बच्चे, पूरा परिवार लक्ष्मी का त्योहार के उपलक्ष में आनंद ले रहे हैं बेटा आज। बस इतना ही बेटा जी। धन्यवाद चाचा, बहुत अच्छा बताया आप। हमारे बड़े भाई है कर्मनिर्त्य का आनंद लेते हुए। अच्छा।